फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल समीम सर में। आज हम करने जा रहे हैं लॉजिक गेट। मेरे पास बहुत स्टूडेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि सर गेट समझ में नहीं आ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि लॉजिक गेट्स की एक ही वीडियो में बना देता हूं, जिससे आपको आसानी से और अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएँ। तो देखिए, लॉजिक गेट क्या होते हैं। लॉजिक गेट जो है एक स्पेशल प्रकार के जो है परिपथ होते हैं, जो स्पेशली कंप्यूटर द्वारा ऑपरेट होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि आजकल बहुत सारी लाइटें जो इस तरह की हैं, जो थीम्स के अनुसार बदलती हैं, जैसे तो आपने शादी वगैरह में देखा होगा थीम्स और साउंड के हिसाब से चेंज होती हैं। तो वहाँ कोई ऑन ऑफ करने के लिए नहीं बैठा होता, वो सारा कमाल जो होता है वो लॉजिक गेट्स का होता है। लॉजिक गेट जो होते हैं कंप्यूटर परिपथ होते हैं, क्योंकि कंप्यूटर जो होता है वो अपने आप जो है कोडिंग से ही समझ जाता है कहाँ ऑन होना है, कहाँ ऑफ होना, कहाँ मतलब कौन सी लाइट को ऑफ करना है, कौन सी को ऑन करना है। तो इन्हीं स्पेशल परिपथ को क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट्स बोलते हैं। देखिए, आइए क्या होते हैं लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जिनमें निवेशी, निवेशी का मतलब इनपुट, तथा निर्गत, निर्गत का मतलब आउटपुट सिग्नलों के मध्य कोई तर्क संगत संबंध होता है। मतलब इनपुट और आउटपुट के बीच में कोई ऐसा रिलेशन होता है कि कहाँ इनपुट पे कौन सा आउटपुट आएगा, ये कंप्यूटर ही समझ सकता है। तो लॉजिक गेट क्या होते हैं, ऐसे डिजिटल परिपथ होते हैं जिनमें निवेशी और निर्गत, इनपुट और आउटपुट के बीच में एक स्पेशल रिलेशन होता है, और उस रिलेशन को जो है बूलियन नाम के साइंटिस्ट ने AB द्वारा एक्सप्रेस करा था। तो उस रिलेशन को ही बूलियन व्यंजक कहा जाता है। अब ये गेट कितने प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। नंबर पहला ओर गेट, नंबर दूसरा एंड गेट, और नंबर तीसरा नॉट गेट। अब हम एक एक करके इन तीनों को पढ़ते हैं। मैं समझता हूँ कि इतना इंटरेस्टिंग वे में आपको सीखने का मौका मिलेगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओर गेट। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ेंगे ओर गेट। हम पढ़ेंगे ओर गेट। ओर गेट की परिभाषा देखते हैं। ओर गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें दो निवेशी चर ए और बी तथा एक निर्गत चर वाई होता है, तथा इसका बूलियन व्यंजक ए प्लस बी बराबर वाई होता है। यही इसकी परिभाषा मानी जाती है। ओर गेट को समझने के लिए इस परिपथ पर आप ध्यान दीजिए। एक हमने परिपथ बनाया, ये प्लस माइनस ही हमने बैटरी लगा रखी है, और इसमें हमने दो कुंजी लगा रखे हैं ए और बी, मतलब दो जो है हम कुंजी स्विच लगा रखे हैं ए और बी। अब इस परिपथ को समझने के लिए आप ये समझ लीजिए, कंप्यूटर नहीं जानता क्या ऑन होता है क्या ऑफ होता है। कंप्यूटर सिर्फ क्या जानता है, कंप्यूटर बाइनरी नंबर जानता है। कंप्यूटर ना ऑन जानता है ना ऑफ जानता है, कंप्यूटर सिर्फ जानता है वन है तो मतलब ऑन और जीरो है तो ऑफ। कंप्यूटर केवल इन दो नंबर को जानता है। अब ऐसे मान लीजिए कंप्यूटर कुछ भी नहीं जानता, वन ऑन और जीरो ऑफ, केवल दो नंबर कंप्यूटर जानता है, वन और जीरो। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। अब अगर ये बटन ऑफ है, ये बटन हमारा ऑफ है, ऑफ का मतलब, ऑफ का मतलब जीरो। ये ऑन है बी, वन है। अब ये ऑफ है, ये ऑन है, तो क्या बल्ब जलेगा, जल जाएगा, क्योंकि करंट यहाँ से चलेगा प्लस से, यहाँ से होकर यहाँ पे जाएगा, यहाँ रास्ता बंद है, यहाँ से यहाँ को निकल के जब ये ऑन है तो यहाँ को आ जाएगा, तो बल्ब इसका मतलब जलेगा, जलेगा मतलब वन, समझ गए। ये बटन ऑफ है, ऑफ का मतलब जीरो। ये हमने ऑन कर रखा है, ऑन का मतलब वन, तो बल्ब हमारा जल जाएगा, जल जाएगा तो मतलब वन ऑन। अब चलिए दूसरा देखते हैं। अब हमने ये ऑन कर दिया, ये ऑफ कर दिया, ए को ऑन करा और बी को ऑफ कर रखा है, तो क्या बल्ब जलेगा, ये ऑफ है, करंट यहाँ से जाएगा यहाँ को रास्ता उसको मिल जाएगा, बल्ब जल जाएगा, जल जाएगा मतलब वन। अब मान लिया हमने दोनों ऑफ कर रखे हैं, ये भी ऑफ कर रखा है और ये भी ऑफ कर रखा, तो करंट आगे बढ़ेगा ही नहीं, यहाँ से आगे को रास्ता नहीं मिलेगा, यहाँ से आगे को रास्ता नहीं मिलेगा। तो हमने ए भी ऑफ कर रखा है, बी भी ऑफ कर रखा है, तो बल्ब जलेगा नहीं, चलेगा नहीं का मतलब ऑफ रहेगा, जीरो। अब मान लिया मैंने ये भी दबा दिया, ये भी दबा दिया, ये भी ऑन कर दिया, ये भी ऑन कर दिया, तो करंट दोनों तरफ को जाके फिर एक तार में हो जाएगा, तो बल्ब जलेगा, जलेगा मतलब वन। तो ये हो गई इसकी सत्यता सारणी। ये क्या हो गई, इसकी सत्यता सारणी कहते हैं इसको,
सत्यता 60। एक बार और समझ लो, ये है और, देखिए नाम से ही आप समझ सकते हैं, और ए दबा दो या बी दबा दो, और का मतलब होता अथवा, या ए दबा दो तब भी जल जाएगा या बी दबा दो तब भी जल जाएगा। तो और का मतलब ए और बी स्विच में से कोई सा भी एक ऑन कर दो तो तुम्हारा बल्ब जल जाएगा। यहाँ पे हमने ए को 0 रखा, बी को ऑन कर दिया तो बल्ब जल गया। ए को ऑन करा, बी को ऑफ रखा तो बल्ब जल गया। दोनों को ऑफ रखा तो बल्ब नहीं जला, दोनों को ऑन कर दिया तो बल्ब जल गया। तो समझ गए, और परिपथ, और गेट समझ गए। ए बटन दबा दो या बी बटन दबा दो, तुम्हारा बल्ब जो है जल जाएगा, हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो इसका संकेत चिन्ह हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से बना हुआ मिलेगा। तो समझ लेना कि जो है और गेट है, और इसका परिपथ प्रतीक ये है, इसकी सत्यता सारणी ये है। इसका तरंग रूप और मैं समझा देता हूँ। तरंग रूप में बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी आती है, मगर तरंग रूप जिसने सत्यता सारणी बना ली उसे तरंग रूप आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए कितना आसान है, ये हमने ग्राफ ले लिया, ये हमारा ए है इनपुट, ये हमारा बी इनपुट है, और ये हमारा आउटपुट है। इस लाइन पे हम इनपुट, इस लाइन पे इनपुट, और इस पे आउटपुट। अब देखिए पहला इंटरवल है हमारा ए बी सी डी ई एफ, ए और बी के बीच में चलते हैं, पहला इंटरवल यहाँ देखते हैं। ए पे क्या है, 0, ए जो है 0 पे है पहले इंटरवल में, तो 0 है तो ये चल गया। बी क्या है, बी क्या है हमारा 1, बी क्या है हमारा 1, तो बी 1 है तो ये इंटरवल में हम ये चढ़ गए, ये आ गए, ये 1। बाई क्या है, 1 है तो ये हम 1 पे चढ़ गए। समझिए दूसरे इंटरवल में आ जाते हैं बी और सी के बीच, ए क्या है, 1 है, तो 1 है तो ये इस तरह से 1 पे ऊपर चढ़ गया। बी क्या है, 0 है, 0 है तो सीधा। सी क्या है हमारा, 1 है, तो 1 पे वो पहले से, तो ये हमारा क्या था, देखिए पहले क्या था, ये 0, फिर बी कितना 1, सी कितना मतलब बाई कितना 1, फिर दूसरे इंटरवल में आए ये 1, ये 0, और ये कितना फिर 1। तीसरा इंटरवल आ गया सी और डी के बीच, तीसरे इंटरवल में ये 0, ये क्या है, 0 है, 0 है तो नीचे लेके आओ इसको 0, ये 0, बी भी 0 है तो वो 0 पहले से ही था, सीधा कर दिया, ये 0, सी कितना 0, सी को 0 पे लेके आओ, सी का मतलब बाई 0। तो ये देखिए ये हमारा 0, ये भी 0, तो ये भी 0। अब तीसरा डी और ई के बीच इंटरवल क्या है, 1, तो इसे 1 पे ले गए, 1, ये भी 1, और ये भी 1, तो ये हमारा 1, ये हमारा 1, ये हमारा 1। तो ये देखिए पहला इंटरवल ए और बी के बीच, दूसरा इंटरवल हमने बनाया बी और सी के बीच, तीसरा इंटरवल सी और डी के बीच, और चौथा इंटरवल डी और ई के बीच। इसे कहते हैं हम तरंग रूप, क्या कहते हैं इसका, तरंग रूप। तो ये था हमारा और गेट, और इसे पढ़ा जाता है किस तरह से, ए और बी, किस तरह से पढ़ेंगे, ए और बी ऐसे ही याद रखो। आपको याद करने के मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ए और बी, ए या बी, ए दबा दो तब भी बल्ब जल जाएगा, बी दबा दो तब भी बल्ब जल जाएगा, और दोनों दबा दो तब भी जो है बल्ब जल जाएगा। या का मतलब प्लस होता, नहीं होता, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट जानते होंगे, ए या बी, ए दबा दो तब भी बल्ब जल जाएगा, बी दबा दो तब भी बल्ब जल जाएगा, और दोनों को दबा दो तब भी जल जाएगा। और गेट आपका कंप्लीट हो गया। तो और गेट क्या होता है, ये एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होती है, दो चर, दो निवेशी चर ए होते हैं, और एक जो है निर्गत चर बाई होता है। सिंपल सा फंडा है ये, मैं समझता हूँ और गेट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम अगला गेट पढ़ते हैं, एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट क्या होता है, ये एक ऐसी युक्ति होती है, एंड गेट एक ऐसी युक्ति होती है जिसमें दो निवेशी चर ए और बी होते हैं तथा एक निर्गत चर बाई होता है, एक निर्गत चर
बाई होता है तथा इसका बूलियन व्यंजक ए डॉट बी बराबर बाई होता है। अब इस परिपथ पे डिस्कस करते हैं, आइए देखते हैं क्या है। अब कॉमन सेंस है, करंट प्लस से माइनस की तरफ को चलता है, हमें ये बल्ब जलाना है, हमने ये ऑन कर दिया, ए बल्ब को ऑन करा। ऑन का मतलब मैंने बताया था कि कंप्यूटर केवल दो भाषाएं जानता है, ऑन का मतलब वन, ऑफ का मतलब शून्य, जीरो। अब मैंने ऑन कर दिया, देखिए मैंने ए ऑन कर दिया, ये बटन दबा दिया तो ये वन, बी को ऑफ रखा तो बी का मतलब जीरो, तो बल्ब जलेगा नहीं, जलेगा क्योंकि करंट यहाँ तक आ जाएगा, आगे को तो जाएगा ही नहीं, तो बल्ब नहीं चलेगा तो मतलब जीरो। अब मैंने इसको ऑफ रखा, इसको ऑन कर दिया, तो इसको ऑफ कर दिया तो मतलब ये जीरो, इसको ऑन कर दिया तो मतलब ये वन। अब करंट यहाँ से चलेगा प्लस से माइनस की तरफ को, आगे बढ़ेगा नहीं तो बल्ब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा का मतलब शून्य है। अब मैं दोनों को ऑफ़ कर देता हूँ, मैंने दोनों ऑन ही नहीं करे, तो पहला भी ऑफ, दूसरा भी ऑफ, तो बल्ब नहीं चलेगा, तीसरा भी ऑफ। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों को ऑन कर देता हूँ, दोनों को ऑन करा तो ये वन तो बल्ब जल जाएगा, ये वन, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है ए एंड बी। जब तक के तुम दोनों को नहीं दबाओगे, ए और बी दोनों को नहीं दबाओगे, तुम्हारा बल्ब नहीं चलेगा, तो इसलिए इसका नाम है ए एंड बी, एंड मतलब ए डॉट बी। जब दोनों संयुक्त नहीं होंगे तो तुम्हें रिजल्ट आउटपुट बाई नहीं मिलेगा, इसका मतलब समझ गए होंगे आप। पिछला था हमारा और गेट, ए या बी, उसमें ए को दबा दो या बी को दबा दो या दोनों को दबा दो, इसमें हमें दोनों को दबाएंगे तभी जो है आउटपुट मिलेगा। तो देखिए ये थी इसकी सत्यता सारणी। ये इसका परिपथ प्रतीक है और इसको दर्शाते कि इस तरह से संकेत चिन्ह इसका, ये है ए और बी इनपुट और ये आउटपुट, और इस तरह से ये चिन्ह होता है इसका, ठीक है। अब देखिए इसका तरंग रूप देखते हैं, तरंग रूप बहुत आसान है। ये हमने इंटरवल ले लिए ए बी सी डी ई एफ, पहले इंटरवल में चलते हैं। ए पे क्या है, वन है, ए इस लाइन पे है, बी इस लाइन पे है और बाई हमारा इस लाइन पे। ये ग्राफ ले लिया हमने, ए कितना है वन, ए पे ग्राफ चढ़ा वन, ये वन आ गया। बी पे कितना, शून्य, पहले इंटरवल में बी क्या है शून्य, शून्य में सीधी लाइन खींच देंगे। बाई क्या है, शून्य, शून्य में सीधी लाइन खींचते हैं, इसके ऊपर लिख भी देंगे ये कितना वन, ये कितना शून्य, ये कितना शून्य, ठीक है। दूसरे इंटरवल में आ जाते हैं बी और सी के बीच में, ए कितना है शून्य, नीचे लिखा ए शून्य, बी कितना है वन, बी पे ग्राफ वन चढ़ गया, सी कितना शून्य, इस पे भी शून्य है तो सीधा खींचते, ठीक है। ये जीरो, यहाँ से यहाँ पे ग्राफ बन चढ़ा और यहाँ पे भी शून्य रहा। तीसरे इंटरवल में आ जाते हैं, पहला शून्य मतलब ग्राफ सीधा, दूसरा शून्य ये जीरो, तीसरा जीरो ये भी जीरो, ये शून्य ये शून्य तो ये भी शून्य, तीसरा ये वन तो ये भी वन। देखिए बी और ई के बीच ये वन तो ये भी जो है वन, ये वन ये वन ये वन, ये इसका है तरंग रूप। कौन सा रूप है, तरंग रूप। अगर आपको आ जाता है कि तरंग रूप में दर्शाइए तो इसका ये है। देखिए ये इसका परिपथ प्रतीक है, ये इसका संकेत चिन्ह है, परिभाषा मैंने आपको बता दी है, ये इसकी सत्यता सारणी है और ये जो है इसका तरंग रूप है। पूरा मैंने एंड गेट क्लियर कर दिया है, नाम में ही छिपा हुआ एंड, ए और बी दोनों को दबाओ तब जाके तुम्हारा आउटपुट बाई मिलेगा। तो ये हमारे दूसरा गेट क्लियर हो गया, आइए तीसरा गेट देखते हैं। तीसरा गेट है हमारा नॉट गेट की पहले परिभाषा देख लेते हैं। नॉट गेट एक ऐसी युक्ति है जिसमें एक निवेशी चर ए तथा एक निर्गत चर बाई होता है, इसका बूलियन व्यंजक ए बार बराबर कितना होता है बाई, इसे हम नॉट भी पढ़ सकते हैं बार भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब ये इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। अब मान लिया ये ए जो है ऑफ है, हमें पता है करंट जो चलता है, पहले इसे समझने के लिए पहले एक चीज़ और समझ लीजिए, करंट जो चलता है प्लस से माइनस की तरफ को चलता है, प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ को चलता है, और करंट जो चलता है वो
जो सरल रास्ता होता है उस पे पहले भागता है। अगर उसे सरल रास्ता मिलता है, जैसे आप समझ लो पानी है, पानी को अगर आसान रास्ता मिलेगा तो वहीं को मुड़ जाएगा वो। इसी तरह से करंट का होता है, अगर इसे जो है कोई सुगम पथ मिल जाता, सुगम का मतलब आसान पथ मिल जाता तो उस पर चला जाता है। अब मैं बात करूँ कि यहाँ से मैंने इसको ऑन कर दिया, किसको, बन को ऑन कर दिया, तो ऑन कर दिया तो करंट यहाँ से चलेगा, यहाँ जाएगा, इसे आसान रास्ता इधर को मिल गया क्योंकि यहाँ पे अपने रेजिस्टेंस लगा रखा है, ये बल्ब इधर लगा हुआ है, तो इसे आसान रास्ता मिल जाएगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, ये इधर को आ जाएगा। समझ गए, करंट जो चलता है आसान रास्ते पे वो पहले चलता है, जैसे पानी चलता, तो जब मैंने ऑन कर रखा है तो इसे ये आसान रास्ता मिल गया तो ये आगे बढ़ेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं तो इसका मतलब बल्ब हमें जलेगा नहीं। तो इसका मतलब ये बटन अगर ऑन है, ऑन का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है, ऑन का मतलब बन, ऑफ का मतलब जीरो, कंप्यूटर ये दो ही भाषा जानता है, ऑन का मतलब बन और जब ये मैंने ऑन कर रखा तो बल्ब हमारा जलेगा नहीं, जलेगा नहीं तो मतलब जीरो, समझ गए। अब मैंने ऑफ कर दिया, ऑफ का मतलब ये जीरो, तो करंट यहाँ से यहाँ को चला जाएगा, बल्ब जल जाएगा, जल जाएगा तो बन, सिंपल सा है। नॉट, नॉट का मतलब क्या है, देखें नॉट ए नाम से आप याद रख लोगे, अगर ए को नहीं जलाओगे, नॉट ए, ए को ऑन नहीं करोगे, नॉट ए, ए को ऑन नहीं करोगे तो जलेगा, समझ गए, तो समझ गए होंगे, नाम से याद कर लोगे, नॉट ए, ए नहीं दबाना है तो बल्ब जल जाएगा, ए नहीं दबाना तो जलेगा, और ए दबा दिया तो बुझ जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो ये थी इसकी सत्य का सारांश, वो सिंपल सा है। अब देखिए इसका तरंग रूप देखते हैं, ये हमने इंटरवल ले लिए, इसमें दो ही इंटरवल बनेंगे, ए बी सी, क्योंकि इसमें ज़्यादा बातें नहीं होती, ऑन ऑफ, हाँ या ना, दो ही बातें होती हैं। अब ए को हमने बन ऑन कर दिया, ए को ऑन कर दिया तो ए ही है, ए को ऑन, ऑन मतलब बन, तो बाई क्या होगा, ऑफ होगा, ऑफ का मतलब जीरो, सीधी लाइन खींच दें। अब दूसरे इंटरवल में ये जीरो कर दिया हमने, ए क्या कर दिया, जीरो, जीरो है तो ये ऑन हो जाएगा, ये इसका तरंग रूप है। तो समझ ही गए होंगे आप कितना आसान है, इसका संकेत चिन्ह यह है, इस तरह से बनाते हैं, और इसका परिपथ चिन्ह यह है, इसका तरंग रूप ये है, और इसकी सत्यता सारणी यह है। ये था हमारा नॉट गेट। एक ट्रिक और बता दूं मैं इन्हें याद करने की, देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा ओर गेट, ओर गेट, ओर का मतलब क्या हुआ, ए या बी, मतलब ए दबा दो तब भी तुम्हारा बल्ब जल जाएगा, बी दबा दो तब भी तुम्हारा बल्ब जल जाएगा, और दोनों दबा दोगे, या का मतलब यूनियन होता है, यूनियन का मतलब दोनों दबा दोगे तब भी तुम्हारा बल्ब जल जाएगा। दूसरा हमने पढ़ा एंड, एंड गेट, ए एंड बी, ए और बी दोनों को दबाना पड़ेगा तब जाके जो है तुम्हारा बल्ब जलेगा, या का मतलब यूनियन, इसका बूलियन व्यंजक ए प्लस बी बराबर वाई, ए और बी दोनों को जलाना पड़ेगा, दोनों को कंबाइन, कंबाइन का मतलब इनटू करना पड़ेगा तब बाई मिलेगा, ये बूलियन व्यंजक इसका ही है। तीसरा नॉट ए, नॉट गेट, ए को नहीं दबाओगे तब बाई मिलेगा, ए को नॉट ए, ए को नहीं दबाना है तब बाई मिलेगा, और ये दबा दिया तो बाई नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया होगा, तीन हमारे गेट होते हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। इसकी अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे नंद गेट और नॉर गेट, ये संयुक्त गेट होते हैं, इन दोनों को मिलाने से बनते हैं, इन तीनों को संयोजन करने से बनते हैं, ये बड़े ही आसान तरीके से हम पढ़ेंगे। तो हमने जो है तीन गेट सीख लिए हैं, और गेट, एंड गेट, नॉट गेट। अगर वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मुझे मैसेज ज़रूर करें अगर आपको ज़रा सा भी समझ में आया हो तो, तब मैं आगे फिजिक्स की वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये फिजिक्स की मेरी पहली वीडियो है। अगर आपको समझ में आया हो तो मैं और भी वीडियो बनाऊं, अगर आपको ज़रा सा भी समझ में नहीं आया तो प्लीज़ मुझे इनबॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये वीडियो हमारी कैसी रही, अगर कुछ कमी हो तो वो भी बताएं प्लीज़, जिससे कि हम अगली वीडियो में सुधार कर सकें। जय हिंद, जय भारत, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल।